ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहाज से अच्छा। 3 अप्रैल 1984 रूस के स्पेस रॉकेट में बैठकर राकेश शर्मा स्पेस में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा को भला कौन नहीं जानता। राकेश शर्मा का जन्म 1949 में पंजाब में हुआ था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद राकेश भारतीय वायुसेना में शामिल हुए। उन्होंने 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में बतौर पायलट हिस्सा लिया। साल 1982 में राकेश शर्मा ने भारतीय रूसी अंतरिक्ष प्रोग्राम में शामिल होने का फैसला किया। इसके बाद दो सोवियत अंतरिक्ष यात्रियों के साथ 3 अप्रैल 1984 को अंतरिक्ष में पहुंचे, जहां इन्होंने 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट गुजारे थे। अंतरिक्ष से वापस लौटने के बाद राकेश शर्मा की छवि किसी हीरो से कम नहीं थी। घर घर राकेश शर्मा को पहचाना जाने लगा। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के बाद राकेश रुके नहीं और वापस वायुसेना में काम करने लगे। अपनी सेवाओं के लिए राकेश शर्मा को अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। साल 1987 में वायुसेना से रिटायरमेंट मिली और हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी राकेश शर्मा अंतरिक्ष प्रोग्राम से जुड़े रहे। 1987 में रिटायरमेंट के बाद राकेश शर्मा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नासिक डिवीजन में चीफ टेस्ट पायलट के तौर पर काम करते रहे। राकेश शर्मा को इसरो के गगनयान के लिए नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में शामिल किया गया, जो एक एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन प्रोग्राम कंडक्ट करती है। साल 2001 में राकेश शर्मा ने उड़ान से पूरी तरह संन्यास ले लिया और लाइमलाइट से दूर शांति और सुकून में जीवन व्यतीत करने लगे। चंद्रयान 3 लॉन्च होने के बाद देश भर में भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा की चर्चा भी होने लगी थी। आधे लोग तो ये जानते नहीं कि राकेश शर्मा आजकल है कहां। भारत का नाम रोशन करने वाले राकेश शर्मा लाइमलाइट से दूर अपनी पत्नी मधु के साथ तमिलनाडु के कुन्नूर में जीवन बिता रहे हैं। और रिपोर्ट्स की माने तो राकेश शर्मा को गोल्फ, बागवानी, योग, पढ़ना और यात्रा जैसे कई शौक भी हैं। वो आज भी एक विनम्र व्यक्ति हैं। साथियों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अपनी राय कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चंद्रयान 3 पर आगे और भी अपडेट्स आती रहेंगी, इसीलिए अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बी हैप्पी। बाय बाय।